अभी भी की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बिहार में बुधवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके अरिया में आज सुबह 5:35 पर महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई में था। इस भूकंप की वजह से किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई भी खबर नहीं है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में इतनी ही तीव्रता का एक और भूकंप आया। सिलीगुड़ी से 140 किलोमीटर दूर दक्षिण में आए भूकंप की झटकों की सूचना सबसे पहले नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी विभाग ने दी। एनसीसी के मुताबिक भूकंप सुबह 5:35 पर आया और इस भूकंप में भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। आपको बता दें कि इस महीने में देश भर के कई शहरों में भूकंप के झटके देखने को मिले हैं। कुछ दिनों पहले यानी 2 अप्रैल को एमपी के जबलपुर में भूकंप आया था और इस भूकंप की तीव्रता 3.6 दर्ज की गई थी। एनसीसी ने बताया था कि भूकंप के झटके पचमढ़ी से 218 किलोमीटर दूर महसूस किए गए। हालांकि इस भूकंप में किसी भी प्रकार के नुकसान की जानकारी नहीं आई थी। वैसे इस महीने में भूकंप के झटके तो कई सारे आए लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी नुकसान या क्षति नहीं हुई।